इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने भी इस बार यानी कि 2021 में इंटर पास किए हैं तो आप लोगों को 10,000 की जगह अब आप लोगों के यहाँ पर जो 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वही अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन भी इस बार यानी कि 2021 में पास करते हैं तो आप लोगों को 25,000 की जगह आप लोगों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी को लेकर के यहाँ पर जो एक अपडेट दिया गया है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है, जिनमें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अप्रैल के बाद स्नातक पास छात्राओं को 50,000 व इंटर पास को मिलेंगे 25,000 रुपये। तो देख पा रहे हैं कि इस बार जिन्होंने 2021 में यानी कि अप्रैल के बाद जिन्होंने यहां पर पास किए हैं इंटर पास, उन लोगों को अब यहां पर जो 25,000 रुपये का जो प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। इसी को लेकर यहां पर देखिए बताया गया कि इंटर पास अविवाहित और स्नातक पास अविवाहित विद्यार्थियों को दोनों के यहां पर जो मिलेगा लाभ, इसके बारे में यहां पर पूरा डिटेल दिया गया। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं वर्ष 2021 से 22 में 1 अप्रैल के बाद स्नातक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दुगुनी राशि यहां पर जो मिलने वाली है। यहां पर बताया गया कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित छात्राओं को 10,000 की जगह अब 25,000 की राशि यहां पर जो मिलेगी यानी कि इस बार से मिलने वाला है। और यहां पर स्नातक उत्तीर्ण यानी कि जितने भी यहां पर जो है छात्राएं हैं उन लोगों को 25,000 की जगह 50,000 रुपए की राशि यहां पर जो है मिलने वाली है। और यह राशि यहां पर देख पा रहे कि उनके सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा स्नातक में अविवाहित और विवाहित। अगर यहां पर कोई ऐसा यानी कि छात्र यानी कि जो विवाहित भी हो जाते हैं तो उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ यहां पर ले सकते हैं, इनके बारे में बताया गया है। 2.5 से 3 लाख छात्रों के यहां पर जो लाभ मिलने वाला है। राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ यहां पर जो 5 केंद्रीय विविध सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के यहां पर जो है सूची की संकाय के लिए यहां पर जो भेज दिया गया, यानी कि सभी स्कूल कॉलेजों से यहां पर जो है डेटा को लिया जाएगा, यानी कि इन्होंने पास किया है। कार्यक्रम 2020 से 2025 के तहत कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह का अंकुश लगाने के लिए यहां पर जो है इस तरीके से यहां पर जो है किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर कब से आप लोगों को इनका लाभ मिलेगा और कहाँ पर जाकर के आपको इसके लिए अप्लाई करना है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है स्नातक या फिर इंटर, यहाँ पर स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्रा योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर देख पा रहे कि आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको कहाँ पर करना होगा, स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना की पूरी जानकारी आपको इसी के वेबसाइट पर करना होगा, educationbihar.gov.in पर यहां पर जो आप जानकारी भी ले सकते हैं। और इसी के वेबसाइट पर आपको अप्लाई भी करना है या फिर आप ई कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब जिसके लिए यहां पर जैसे इनका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है यानी कि इंटर वालों का या फिर ग्रेजुएशन वालों का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ग्रेजुएशन वालों का अभी ऑनलाइन अप्लाई शुरू है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही इंटर वालों की बात करें तो इंटर वालों का पहले वालों का अभी तक पैसा नहीं आया है। जैसे ही पहले वालों का क्लियर हो जाता है, सबका मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद यहां पर इंटर वालों का भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहां पर अप्लाई होगा मैं आपको जरूर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप यहां पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर और ग्रेजुएशन वालों का प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे edu.dbt.bh.nic.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद स्नातक वालों का यहां पर देख पा रहे एक अलग ही यहां पर लिंक दिया हुआ है, पहला दूसरा यहां पर देख पा रहे आपको स्नातक में अगर आपने इस बार 2021 में पास हुए तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, पहले वाले लिंक पर। इस तरीके से देख पा रहे कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए खुल करके आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर देखिए पंजीकरण करें, यहां क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहां पर आपको अपना पूरा डिटेल देकर के आपको यहां पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन का देखिए यहां पर सेक्शन बना हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आप यहां पर क्लिक करके उनके बाद आप यहां पर लॉग इन करेंगे। जो भी आपको अप्लाई करने के बाद यूजर आईडी मिलेगा यहां पर डालेंगे, पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे तो आप यहां पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद पूरा डिटेल देने के बाद आप यहां पर सबमिट करेंगे, आप यहां पर अप्लाई हो जाएगा। उनके बाद आपको कुछ ही दिनों के बाद प्रोत्साहन राशि आपको मिल जाएगी। इंटर वालों की बात करें तो इंटर वालों के लिए यहां पर देखिए इनका नीचे यहां पर लिंक बना हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। आप यहां पर पहले दूसरे लिंक पर आप यहां पर किसी पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। यहां पर भी आने के बाद आपको यहां पर इस तरीके से खुल करके आ जाता है और यहां पर आपको देखिए बैंक अकाउंट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरीके से आपको यहां पर जो ये सब लगता है तब जाकर इसके लिए अप्लाई होता है। अप्लाई करने के लिए यहां पर देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आप यहां पर क्लिक करके इंटर वालों के यहां पर जो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, कितना मार्क्स है वो लगता है, उनके बाद ये वाला कैप्चा डाल करके यहां पर लॉग इन करने के बाद यहां पर जो अप्लाई हो जाता है। तो फिलहाल अभी यहां पर जो है यानी कि इस बार जिन्होंने भी पास किया उसको लेकर के कोई भी यहां पर जो नोटिस अभी तक नहीं आया है कि आप लोग यहां पर इसके लिए अप्लाई कीजिए। तो यहां पर अभी बहुत पहले इनका ऑनलाइन आवेदन लिया गया था तो उनका यहां पर देखिए इस तरीके से डेटा यहां पर शो हो रहा है, पिछले वालों का अभी तक पैसा नहीं आया है। तो यहां पर जिन्होंने
हाल फिलहाल में यहाँ पर इंटर पास किए हैं उन लोगों का कोई भी नोटिस आता है अप्लाई करने के लिए, मैं आपको जरूर सबसे पहले बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और कब से आपको अप्लाई करना होगा। तो फिलहाल अभी तक इनका कोई भी डेट नहीं आया है जिन्होंने यहाँ पर हाल फिलहाल में पास हुए हैं। जैसे इनका कोई भी डेट आता है या नोटिस आता है तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा।